रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत में लगनी शुरू हो गई है। डॉक्टर रेड्डीज जो कि स्पुतनिक वी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बना रहे हैं, भारत में प्रोडक्शन इसका शुरू करेंगे। उन्होंने पहली डोज लगा दी है। हैदराबाद में स्पुतनिक वी की पहली डोज लगाई गई है। इसकी कीमत 995 रुपए तय की गई है और यह स्पुतनिक वी की वैक्सीन की फर्स्ट डोज जो आई है वो तो लगनी शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसकी दूसरी खेप भी भारत आने वाली है। तो देखिए स्पुतनिक वी वैक्सीन की डोज पहली डोज लगने की ये तस्वीर आपके सामने है। तो इस तरह से अब आप ये कह सकते हैं कि भारत में तीन वैक्सीन लगाई जा रही हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से भारत में लगाई जा रही है और अब स्पुतनिक वी का भी भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है स्पुतनिक वी से भी। ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं जहाँ डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर स्पुतनिक वी भारत में ये वैक्सीनेशन कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज देखिए कैसे ये वैक्सीन लगाई गई स्पुतनिक वी की और डॉक्टर रेड्डीज के साथ स्पुतनिक वी भारत में जल्दी इसका प्रोडक्शन भी शुरू करने जा रहे हैं। तो कुमार देखिए जो सरकार कह रही थी वो उन्होंने तो एक हफ्ते की बात कही थी, यहाँ तो आज उन्होंने कल कहा और आज से स्पुतनिक वी का टीका लगना शुरू हो गया। निश्चित रूप से जो सारा प्रोसेस जो है ट्रायल की वजह से फंसा हुआ था और वो एक तरह से ट्रायल पूरा हुआ पहली चीज। दूसरी चीज जो हिमाचल में जहाँ से वैक्सीन का जो परीक्षण हुआ था, हिंदुस्तान में जब भी विदेश से कोई वैक्सीन आती है तो उसकी एफिकेसी उसकी सुरक्षा और सब कुछ का परीक्षण होता है, उसमें तकरीबन 7 से 15 दिन का समय लगता है और वो सारा प्रोसेस शुरू हो गया तो उसके जो रिजल्ट है वो भी आ गए। उसके बाद से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और निश्चित रूप से ये एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत की बात है। तीसरा वैक्सीन भी हिंदुस्तान में मौजूद है और उससे भी बड़ी राहत की बात है कि इसका प्रोडक्शन जल्द शुरू होने वाला है जिससे कि अच्छा कुमार इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी है कि ये भी कहां मिलेगी, निजी अस्पतालों में, केवल अस्पतालों में या कैसे मिलेगा सरकारी अस्पतालों? देखिए अभी तक जो ग्लोबल टेंडर के माध्यम से जिन जिन लोगों ने इनको अप्रोच किया होगा उनके पास तक वैक्सीन पहुंचेगी। जैसे जहां तक मेरी जानकारी है महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर में हिस्सा लिया था। इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी, जो बड़े निजी अस्पताल है, जो बड़े है, मतलब जैसे अभी देश में टीकाकरण हो रहा है कमोबेश उसी आधार पर यह टीकाकरण स्पुतनिक वी का भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका कुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।